आप देख रहे हैं एफटी न्यूज डिजिटल, सबसे तेज, सबसे पहले सच और कुछ नहीं। आम जनमानस की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न प्रकार के कायदे कानून बनाती है, लेकिन शायद उसका अनुपालन नहीं हो पाता है और इसके दुष्परिणाम भी सामने आते रहते हैं। इसी तरह सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का भी हाल है, जिसके कारण आए दिन मार्ग दुर्घटनाओं में हजारों लोग जान से हाथ धो बैठते। इसी को देखते हुए हर वर्ष नवम्बर माह में यातायात माह का आयोजन किया जाता है, जिसके क्रम में आज जिले में यातायात पुलिस ने एक अनोखी पहल करते हुए नियम तोड़ने वालों को यमराज के रूप में सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया। दौरान यातायात पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा, तो वहीं यमराज की गेटअप में होमगार्ड पूरन गुप्ता ने रोड पर उतरकर लोगों को दुर्घटनाओं से होने वाले मंजर से रूबरू कराते हुए उन्हें भविष्य में नियमों का उल्लंघन न करने का सबक सिखाया। आज क्या चल रहा है? आज यमराज सड़कों पर उतरे हुए हैं। यमराज सड़कों पर हमसे बहस कर सकते, लेकिन यमराज से बहस नहीं कर सकते हैं। यमराज उनके हम लोग ले जाएंगे। इस उद्देश्य से जनता में इसका भय पैदा करने के लिए हम लोग यमराज अपना लेकर के आए हैं। यमराज अगर नहीं हमसे बहस करेंगे तो हम लोग यमराज ले जाएंगे। क्या कहते हैं, क्या उद्देश्य? जागरूकता, जागरूकता, ये हमारा उद्देश्य है कि यातायात के संबंध में जागरूक लोगों का, लोगों को होगा कि हाँ बहस यातायात पुलिस से कर लेंगे, लेकिन भगवान से हम लोग से नहीं करें, यमराज से नहीं कर सकते। यमराज पहुँचा है, 10 लोगों को पहुँचा है। क्या अपील करना चाहेंगे जनता? अपील ये करना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग अपना हेलमेट लगा कर चलना, तीन सवारी न चलाएं, कार चला रहे हो तो सेफ्टी बेल्ट लगा कर चलना, ओवर स्पीड में न चलना। ये अगर ओवर स्पीड में चलेंगे, तीन सवारी चलेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो सड़क दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। सड़क दुर्घटना होगी तो मृत्यु 90% चांस है। अगर इनका पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं से बचेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम जैसे भी नुक्कड़ सभा करके के स्कूल में जा करके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, चौराहे पर इसका चालान कर रहे हैं। कार्यक्रम कब तक चलेगा? बीच बीच में चलता रहेगा, जैसे यमराज जी आएंगे उनको उसी हिसाब से उसका उपयोग किया जाएगा।